टीम इंडिया अगले महीने की पहली तारीख से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में भिड़ने वाली है, लेकिन इस मैच से ठीक पहले भारतीय टीम को एक झटका तब लगा है जब टीम के हिटमैन ओपनर और कप्तान रोहित शर्मा कोरोना से संक्रमित थे। जी हाँ, पूरी दुनिया को इंतजार था कि रोहित शर्मा 5वें टेस्ट में भी खेल पाएंगे या नहीं। हालांकि अब रोहित के खेलने या न खेलने पर पूरी अपडेट आ चुकी है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको। उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन है तो दिल से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्रिकेट के मैदान से जुड़ी हर अपडेट तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी लोग को बता दें, रोहित शर्मा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल रोहित इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट से पहले ठीक नहीं हो पाए हैं और अब उन्हें इस मुकाबले से बाहर रहना पड़ेगा। रोहित की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान होने वाले हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने इस बात का खुलासा किया है। बता दें कि रोहित 5वें टेस्ट से पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान कोविड से संक्रमित हो गए थे और वो अब तक पूरी तरह ठीक होने में नाकाम रहे हैं। इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह खुद टीम इंडिया के नए कप्तान बनने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त भारतीय टीम ने उप कप्तान बनाया था जसप्रीत बुमराह को, उस वक्त उनसे पूछा गया था कि वो कप्तानी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त बुमराह ने कहा था कि अगर भविष्य में उन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी तो वो इसके लिए तैयार रहेंगे। अब अगर रोहित शर्मा 5वें टेस्ट से पहले ठीक नहीं होते हैं, जहां तक अपडेट्स आ गया है, उनको बाहर कर दिया गया है और जसप्रीत बुमराह को नया कप्तान बनाया गया है आखिरी और इकलौते टेस्ट मैच में। बता दें कि भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 2-1 से आगे ये मुकाबला जीतती है तो भारतीय टीम 60 पॉइंटों के साथ तीसरे पायदान पर आ जाएगी टेस्ट रैंकिंग में। इसके अलावा आप सभी लोग को बता दें, टीम के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहित शर्मा शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसकी जानकारी BCCI ने ट्विटर के जरिए दी थी। हालांकि अभी तक रोहित शर्मा ठीक नहीं हो पाए और अपडेट्स आ गई कि बुमराह कप्तानी करने वाले हैं आखिरी टेस्ट मैच में। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुँच सके।